दुम खा रहे हैं भाई, दुम खा रहे हैं, दुम फ्राई कर रहे हैं आप भी खा के। खैरपुर से आया हूँ कराची पढ़ने के लिए, डॉक्टरी की तैयारी कर रहा हूँ। 25 साल हो गए ठीक है, वो पहले मेरे से पहले बड़े भाई थे। चिकन की होती है, बाकी जब पहले बीफ की लगाते थे, ये वायरस आया था ना जब चिकन की लगाई थी। और माशाल्लाह बड़ी ड्राई करी है इन्होंने, बाजू हो गए भैया कलेजी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ असीबुर रहमान, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वहीद कलेजी पर, जो कि लोकेटेड है कुरंगी क्रॉसिंग भिटाई कॉलोनी पर। ये हॉट चिली से थोड़ा सा आगे आके वहीद चरगा की मैं ऑलरेडी वीडियो इनकी बना चुका हूँ पहले, बहुत ही अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स आया है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। जो लोग गए उन्होंने हमें बताया कि उनके बहुत टेस्ट पसंद आया है। अच्छा, ये है वहीद कलेजी पॉइंट, जहाँ पर फ्राई कलेजी, और फ्राई कलेजी के अलावा ये क्या है, ये चने की दाल की कबाब है, चने की दाल और आलू दोनों चीज़ें मिक्स हैं। अच्छा, ये भी वहीद भाई का है। जिसमें हर जगह ग्रेवी वाली नहीं होती है, जितनी इन्होंने इसमें ग्रेवी रखी हुई है। नॉर्मली लोग ज़्यादातर ड्राई करके चटपटा मसाला होता है, तो इस तरह ये कितने 70 रुपये की है। सही, यहाँ इनकी सिटिंग अरेंजमेंट है। कलेजी खा रहे हो भाई, क्या हाल है, खैरियत से भाई? ये बताओ कलेजी कैसी है? अच्छी है, टेस्टी है। पहली दफ़ा आए हो? नहीं नहीं, मैं 1-2 दिन छोड़ के आता हूँ। अच्छी है, हाँ तो अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। 20 से 25 साल हो गए ठीक है, वो पहले मेरे से पहले बड़े भाई थे, फिर वालिद साहब आए, वालिद साहब के बाद बड़े भाई के बाद मैं आया हूँ। 12 से 15 किलो। 12 से 15 किलो, और उसके अलावा कबाब, ये चने की दाल आलू के कबाब है। कच्ची लेकर आते हो या ये कच्ची लेकर आते हैं? कच्ची लेकर आते हो घर से? जी जी, यही पूरी तैयार करते हो? यही तैयार होती है, सारे मसाले वगैरह जो है मसाले वसाले डल घर पे डलते हैं, तैयार यहीं पे होती है। चिकन की होती है, बाकी जब पहले बीफ की लगाते थे, ये वायरस आया था ना जब चिकन की लगाई थी। क्यों इतनी ग्रेवी वाली क्यों बनाते, क्या वजह है? ये ग्रेवी वाली कस्टमर मांगते हैं, कोई ड्राई मांगते हैं, ड्राई भी तैयार हो जाती है। अच्छा जी, तो उसके प्राइस क्या बताएं आपने? 70, 100, 150। जैसी मर्जी ले लो। जी जी, कम से कम 70 रुपये की। जी अच्छा, इनके साथ ही ये सीख बोटी वाले भाई बैठे हुए, जिन्होंने मुर्गी की दुम और बहुत सारे पर वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, और इसका अपना अलग ही टेस्ट होता है। कभी अगर कोई खा के देखे, बल्कि भाई ये खा भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है भाई, क्या खा रहे हो? दुम खा रहे हैं भाई, दुम खा रहे हैं। दुम कैसी टेस्ट में, कैसा है ये? अच्छा है, बोल आप भी चेक करें, ट्राई करें आप भी खा के। नहीं, मैंने तो बहुत दफ़ा खाई हुई है, बहुत टेस्टी होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है इसका जायका। ये तो मेरी फेवरेट चीज़ों में से एक है, मैंने अक्सर ये खाई है भाई। ये दुम लगी हुई है, दुम के साथ ये क्या कलेजी है? पोटा है, ये पोटा आ गया, वो पर है, ये पर आ गए, ये खीरी है। अरे खीरी मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि खीरी थोड़ी चपटी ज़्यादा है। बाजू हो गए भाई, कलेजी आ गई। तो भाई क्या रेट क्या है? कलेजी 30 रुपये की, बाजू 60 रुपये का, पोटा 20 रुपये, दुमची खीरी ये सब 20-20 में। अच्छा अच्छा, ये इसी लाइन में ये चने वाला खड़ा हुआ भाई, ये चने जो ये भूनते हैं इसमें। पूरा इनका सेटअप है यही। ये क्या रेत है, क्या है ये? नमक है, कौन सा नमक है? लोहरी नमक। लोहरी नमक में, लोहरी नमक के भूनते हैं, और क्या क्या चने के अलावा? बीच है, मकई है, पपून है। बीच मकई पपून। अच्छा, बीच मकई है, पॉपकॉर्न है चने। वैसे 9-10 बजे तक खड़े होते हो, आज माल ख़त्म हो गया तो जल्दी जा रहे हो। अच्छा भाई, जैसे कि मुझे ग्रेवी वाली तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है कलेजी, तो मैं अपने लिए यहाँ ड्राई करवा रहा हूँ, और फिर खा के आपको टेस्ट बताएंगे इसका कि कैसा है।
ये वहीद भाई की मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, ये इनके भाई हैं। असल में वहीद भाई का ही ये जो है कलेजी का सेटअप है। ये वहीद भाई खड़े हुए हैं और ये उनके छोटे भाई हैं। इनका छोटा भाई वहीद का यही है। इसमें क्या डाला है? कसूरी मेथी, मेथी डाली है। माशाल्लाह भाई, मैं यहाँ नोट भी कर रहा हूँ कि लोग ग्रेवी बार बार मंगवा रहे हैं, जो यहाँ पर कलेजी खा रहे हैं पीछे लोग बैठे हुए हैं, तो ग्रेवी का यानी कि जायका अच्छा है, ज़बरदस्त है, इसलिए लोग ग्रेवी मंगवा रहे हैं। और यही शायद वजह है कि ग्रेवी ज़्यादा रखते हैं कि लोगों की डिमांड है। माशाल्लाह ये देखें, तवा भर गया। ये शान वाले की मैदे इस्तेमाल करते हैं, खुशबूदार, क्या बात है भाई। मतलब पूरी सब्जी यही तैयार की जा रही है, तो घर में मसाले मिली बहुत ही। कौन कौन सा मसाला लगा तो यार इसके अंदर? सारे घर के मसाले। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? हाँ भाई, रुकी कलेजी खा रहे हो? जी जी सर, रुकी खा रहा हूँ। कैसे जाएगा? कैसा जाएगा? अच्छा है बहुत। कितने दिन से आ रहे हो यहाँ पर? यहाँ पर बहुत अर्सा हुआ है, बहुत अर्से से आ रहे। छः महीने हो गए। छः महीने से आ रहे जी। खैरपुर से आया हूँ कराची पढ़ने के लिए, डॉक्टरी की तैयारी कर रहा हूँ। डॉक्टर की मेडिकल? अच्छा, मेडिकल पढ़ लें। नाम क्या आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ, तो खाना बाहर से खाते हैं? जी सर, खाना बाहर से खाता हूँ। तो भाई फाइनली कलेजी तैयार होकर आ गई है और माशाल्लाह बड़ी ड्राई करी है इन्होंने। उसके अलावा ये दाल और आलू का कबाब है, दाल और आलू से मिलकर बनता है, ये रायता है इनका। तो फिलहाल तो रूखी ट्राई करेंगे सबसे पहले, कि रूखी कैसी क्या जायका है कलेजी का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। काफ़ी मज़ेदार है, ज़बरदस्त जायका है, चटपटा सा जायका है इसका। और ये कबाब भी चेक करेंगे, दूसरा तो टेस्ट करें कैसा है। अच्छा सही, ये थोड़ा सा देखें, आलू का पेस्ट, क्योंकि आलू का पेस्ट और ये दाल का कॉम्बिनेशन है। काफ़ी डिफरेंट टेस्ट है, खट्टा जैसा थोड़ा टच आ रहा है। अच्छा ये जो क्या है? ये मसाला कलेजी, कलेजी का मसाला है ये। चलो कलेजी के मसाले ट्राई करते हैं। यार बड़े मज़े का ग्रेवी, बहुत टाइट है इसकी, बहुत ज़बरदस्त है। यही वजह है कि लोग ग्रेवी वहाँ इतने शौक से खाते हैं। ये मज़ेदार है, ये देखें। ट्राई किया है ना तो उससे सब मज़ा दुबाला हो गया है, बहुत ही मज़ेदार हो गई है। लेकिन इसको ड्राई करने से थोड़ी स्पाइसी हो गई है, थोड़ी मिर्ची लग रही है चटनी इनकी। खाना खा के फारिग हो चुके हैं, बहुत मज़ा आया, कुछ ठंडा हो जाए तो उसके लिए हम जाएंगे। सामने लिमका वाला मौजूद है तो अभी हम वहाँ जाते हैं और उनका लिमका ट्राई करते हैं कि उनका लिमका कैसा है। वहीद के बिल्कुल सामने अली लिमका वाला मौजूद है, अली लिमका सोडा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? कौन कौन सा लिमका मौजूद है? ये माल के अलावा सारे ही हैं, इसके अलावा चॉकलेट और बटर स्कॉच है, वो इसमें ऐड है। चॉकलेट और बटर स्कॉच है भाई इसमें। ये बटर स्कॉच बन रहा है और इसमें मिल्क ऐड होता है, मिल्क आ गया। ये फ्लेवर है या कुछ और है? चाशनी है, फ्लेवर है चाशनी। क्या बात है, आई साइड होगी। आइस आ गई, ओहो
क्या बात है भाई, क्या आवाज़ थी इसकी। अच्छा इसमें ये ऐड हो गई, ये रेडी हो गया। ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ बटर स्कॉच। क्या बात है भाई, बचपन में हम टॉफी खाते थे बटर स्कॉच के नाम से, आई थिंक शायद बटर स्कॉच ही नाम था, तो सेम वैसे टेस्ट आ रहा है, काफ़ी डिफरेंट है। बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार है भाई। बताइए, दिखाइएगा ज़रा चॉकलेट फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर है इनका। और इसी के भाई प्राइस क्या इनके, 70 रुपीज़। अरे प्राइस भी बहुत ही मुनासिब है। और ये लिमका वगैरह जो है इसी के प्राइस हैं 60 रुपीज़। कॉकटेल बनाता हूँ 70। अरे कॉकटेल भी बना दें, कॉकटेल भी 70 है, और बाकी जो जितने भी हैं सोडा उनके 60 रुपीज़ प्राइस हैं। कलर भी काफ़ी डिफरेंट है इसका। ये रेडी हो गया, क्या बात है यार जी भाई, बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। कितने साल से बना रहे हो? माशाल्लाह यार 2 साल हो गए। तो रिस्पांस कैसा है? अच्छा, क्या टाइमिंग क्या है? मेरी टाइमिंग है 3 से रात 3। अच्छा, दोपहर 3 से रात 3 बजे, माशाल्लाह भाई टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो भाई अली भाई ने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनाया, मज़ा आ गया खाने के बाद पीने का। हम अपनी वीडियो का ये इख्तिताम करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।